उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 48 पर भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जहां वो 3 बार और इससे ज्यादा बार जीतती आ रही है। विपक्ष भी पिछले चुनाव में जीती सीटों की गिनती बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी में विपक्ष का तंबू खड़ गया था। उसकी झोली में सिर्फ 7 सीटें ही आई थी। साल 2019 के चुनाव में विपक्ष 16 सीटें जीतने में कामयाब रहा। इस बार प्रदेश में भाजपा ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा आरएलडी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए सपा बसपा ने अपनी विचारधारा और रीतिनीति से हटकर मजबूरी में गठबंधन किया। हालांकि वो भाजपा के विजय रथ को पूरी तरह से रोक नहीं पाए। सपा को 5, बसपा को 10 सीटें मिली, वहीं आरएलडी के हाथ खाली ही रह गए। कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी थी। उसके हिस्से में मात्र रायबरेली की सीट ही आई। उसके बड़े नेता राहुल गांधी अमेठी की पुश्तैनी सीट भाजपा के हाथों गवा बैठे। राज्य में 56 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा ने लगातार साल 2014 और 19 में जीत दर्ज की। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, आंवला और बांसगांव सीट पर भाजपा ने लगातार 3 चुनाव यानी 2009, 14 और 19 जीते हैं। यहां वो चौथी बार जीत की तैयारियों में जुटी है। पीलीभीत सीट 2004 से भाजपा के खाते में है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर साल 2018 के उपचुनाव को छोड़ दे तो भाजपा यहां लगातार पिछले 3 दशक से इस पर जीत दर्ज करती आ रही है। वहीं लखनऊ सीट पर भी भाजपा पिछले 2.5-3 दशक से जीत दर्ज कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 16 सीटें गंवा दी थी। इसमें गाजीपुर, लालगंज, नगीना, रायबरेली, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, अम्बेडकर नगर, घोसी, सहारनपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, मेनपुरी, संभल, आजमगढ़ और रामपुर थी। साल 2022 में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर अपनी सीटों में इजाफा कर लिया। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी रायबरेली, अमेठी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज और आजमगढ़ सीटों पर विजय पताका नहीं फहरा पाई थी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक 2014 के आम चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों ने पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही 48 सीटों पर हैट्रिक लगाने के लिए भी सारे गुणा भाग और समीकरण सेट कर लिए हैं। भाजपा ने इस बार उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्वांचल तक एनडीए के कुंबे का विस्तार अपनी जीत को बड़ा करने के लिए किया है। भाजपा इस बार 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीटें उसने अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी, सुबह सपा और अपना दल सोनोलाल को दी है। असल में भाजपा इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। वो एक एक सीट पर चिंतन, मंथन और समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार उतार कर 2014 के अपने ही इतिहास को तोड़ना चाहती है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में बीजेपी ने प्रदेश में 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने 47 पुराने चेहरों को रिपीट किया है। केवल 4 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। प्रदेश के जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है उनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जिन पर पिछली बार पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर विपक्षी दलों की रणनीति और चाल पर पार्टी की नजर है। इसके अलावा जीत के लिए समीकरण और अन्य बिंदुओं पर चिंतन मंथन से उम्मीदवारों के ऐलान में भी देरी हो रही है। बरेली, शाहजहांपुर, केसरगंज, खीरी, भदोही, सीतापुर, मिश्रिख, हरदोई, मोहनलालगंज, उन्नाव, सुल्तानपुर, अकबरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, डुमरियागंज, महाराजगंज, गौतम बुद्ध नगर, सलेमपुर, देवरिया, बलिया, मछली शहर, चंदौली, फूलपुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, धौरहरा, कानपुर, इटावा, फरुखाबाद, कुशीनगर, एटा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, कौशाम्बी, बागपत, मुजफ्फरनगर और किरानापुर बीजेपी हैट्रिक की तैयारी कर रही है। वाराणसी, लखनऊ, आंवला, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, बांसगांव और पीलीभीत पर भाजपा 3 या उससे ज्यादा बार जीत दर्ज कर चुकी है।